हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हिमालय हर्बल्स प्यूरिफाइंग नीम फोमिंग फेस वॉश का रिव्यू। ये कुछ इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में आता है जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव एंड क्यूट है, क्योंकि ये पंप पैकेजिंग में है और ग्रीन इन कलर है। इसकी जो प्लास्टिक है वो क्लियर प्लास्टिक है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका प्राइस 190 रुपीज़ है, जिसमें आपको 150 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 36 मंथ है। तो हिमालय के सभी फेस वॉश के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनके फेस वॉश जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने कोई फोमिंग फेस वॉश यूज़ किया है। आप इसे लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं, बट जब आप इस प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो ये फोम में हो जाता है, जो कि अगेन बहुत अच्छा लगता है देखने में लिए। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स की बात करें तो सभी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन की गई हैं, जो कि अच्छी बात है, जिसकी वजह से आपको इजीली पता चल सकता है कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, इसे यूज़ कैसे करना है या फिर इसका वर्क कैसा है। अगर इसके मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है नीम एंड टर्मेरिक, जो कि हमारी स्किन से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। चाहे आपके फेस पे पिंपल की प्रॉब्लम हो, एक्ने की प्रॉब्लम हो, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम के लिए नीम एंड टर्मरिक बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने इससे पहले कोई भी फोमिंग फेस वॉश यूज़ नहीं किया है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने कोई फोमिंग फेस वॉश यूज़ किया है और इसका वर्क मुझे बहुत अमेजिंग लगा, बहुत अच्छा लगा और इसके वर्क ने मुझे बहुत इम्प्रेस भी किया है। तो ये हिमालय के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो एनिमल पे भी टेस्ट नहीं किए जाते हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट है। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एलर्जी टेस्टेड है, जिसकी वजह से आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाएगा। अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लिड दी जाती है जो कि काफ़ी टाइट है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी स्टडी है, जिसकी वजह से आपका अगर आप इसे ट्रेवलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं तो आप इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पिल नहीं होगा या फिर ये बाहर आपका प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके यूज़ की बात करें तो आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जब भी यूजुअली आप जितनी बार अपने फेस को वॉश करने के लिए फेस वॉश का यूज़ करते हैं तो आप वैसे इसे भी उतनी ही बार यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं जनरली सिर्फ 2 ही बार फेस वॉश यूज़ करती हूँ, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। उसके बाद मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, दिन में एक भी बार मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ। अगर इसके वर्क की बात करें तो ये इसका वर्क बहुत अमेजिंग है। ये आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, क्लीन करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं, सबसे बड़े इशू होता है पिंपल और एक्ने का, तो उन प्रॉब्लम को आपकी स्किन से दूर रखेगा। और ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एंड अफोर्डेबल फेस वॉश है, तो आप इसे एक ट्राई ज़रूर दें। अगर आप ऑयली स्किन के या फिर सेंसिटिव स्किन के हैं तो इस फेस वॉश को एक ट्राई ज़रूर दें, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। मुझसे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि कोई ऐसा नीम फेस वॉश बताओ जो स्किन के लिए अच्छा हो या जिसका वर्क अच्छा हो, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि करंट में मैं यही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ और इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर आपने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आप भी इसे एक ट्राई दे सकती हैं। यहाँ पर मैं कुछ बातें मेंशन करना चाहूँगी कि जैसे अगर ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा वर्क कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए भी अच्छा वर्क करे या फिर आपके लिए अच्छा वर्क ना करे। तो हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई भी स्किन केयर या मेकअप प्रोडक्ट यू बाय करें, तो उससे पहले एक बार मेक श्योर ज़रूर कर लें कि आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग है या नहीं, तभी आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा और आप उसे सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। ओवरऑल आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आप क्या यूज़ करना चाहते हैं या क्या ट्राई करना चाहते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन है,
आप इसे एक ट्राई जरूर दें। इसमें हाई एंड ब्रांड में भी सेम फेस वॉश अवेलेबल है, तो आप चाहें तो उसे भी बाय कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड में नीम फेस वॉश अवेलेबल है जो स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर। Bye.